वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बच्चों यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस का यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे, बीएड फाइनल सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन, बीएड सेकंड सेमेस्टर के हवाले से। रात मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसमें जो कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ चीज चेंज की गई हैं और कुछ नई चीज़ें हैं स्टूडेंट के हवाले से जानने के लिए, स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है वो जाने, वो यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर के लिए, यानी जिन लोगों ने अभी फर्स्ट सेमेस्टर पास किया है वो अब सेकंड सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन करेंगे, तो वो यहाँ से देख सकते हैं मालूमात। और इस वीडियो में, आज की वीडियो में, हम थर्ड सेमेस्टर यानी फाइनल सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, उसमें जो टीचिंग प्रैक्टिस है या थीसिस है वो कैसे सिलेक्ट करना है वो हम बताते हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हों आप तक पहुंचती रहें और उसमें आपका फ़ायदा होता रहे। तो ज़रा देख लेते हैं आज की जो वीडियो का टॉपिक हमने बनाया, बीएड फाइनल सेमेस्टर। बीएड फाइनल यानी कि थर्ड सेमेस्टर, यही फाइनल सेमेस्टर होता है। टोटल तीन सेमेस्टर लगते हैं बीएड में अगर आप स्टैंडर्डाइज तरीके से पढ़ते जाते हैं, यानी आप सीजीपी डाउन नहीं होती, आपके सब्जेक्ट फेल नहीं होते, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आता, तो फिर आप तीन सेमेस्टर प्रॉपरली लगा के डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। तो उससे पर उसके लिए हम एलएमएस ओपन करते हैं और देखते हैं कि आपने किस तरह कोर्स सिलेक्शन करनी है। और मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार वाला मैं एलएमएस खोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड तरीक़ेकार से मुराद ये है कि जिनका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं हुआ, जिनकी सीजीपी डाउन नहीं हुई और उन्होंने एक प्रॉपरली तरीके से अपना बीएड कंप्लीट किया। तो जिनकी फेल हुए हैं सब्जेक्ट, सीजीपी डाउन थी या कुछ मसाइल पैदा हुए हैं उनके, तो उसके लिए मैं कल एक वीडियो बना दूँगा। उसमें आपको मैं कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोर्स सिलेक्शन के हवाले से, रिसर्च के हवाले से या स्पेशलाइजेशन के हवाले से जो आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे या आपको नहीं वो शो हो रही, तो उसके लिए मैं आपको ईमेल एड्रेस कुछ और फ़ोन नंबर आपको बताऊंगा जिससे आप यूनिवर्सिटी के साथ रابطہ कर सकते हैं और अपना मसला उनको क्लियरली बयान करके उसका सलूशन ले सकते हैं। पहले मैं सामने ओपन कर लिया है, यहाँ पे फ़िलहाल तो कोर्स सिलेक्शन उन्होंने की हुई है, तो हम दोबारा से करके देख लेते हैं। उससे पहले हम ज़रा ग्रेड बुक चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि जब हम कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं तो अब तक जो टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स है उसमें से कितने कंप्लीट हो चुके हैं। देखें, एक सेमेस्टर में 18 होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में एक एक्स्ट्रा होता है VU001 का 19 क्रेडिट आवर, पहले में 18, सेकंड में 36 और प्लस 1 VU001 वाला 37 क्रेडिट आवर कंप्लीट है। और जो एक स्टैंडर्ड सेट किया यूनिवर्सिटी ने उसके मुताबिक थर्ड सेमेस्टर में जब आप स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई हैं उसको आप देख के क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से बता दूँ कि 34 क्रेडिट आवर कम अज़ कम आपके होने चाहिए रिसर्च को सिलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद आपकी सीजी 2.5 से कम ना हो, तो वो डिटेल आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो सेकंड सेमेस्टर में आए हुए स्टूडेंट्स, तो करना क्या है कि यहाँ पे जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इंतहाई अच्छी सीजीपी है, इससे भी अच्छी बना रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब ये रिज़ल्ट है ओवरऑल सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर में उनके 4 पॉइंट पूरे हैं, कंप्लीट सीजीपीए जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट आवर प्रॉपरली अर्न किए गए हैं और कोई सब्जेक्ट फेल नहीं हुआ, सीजीपी भी बेहतरीन है, रिक्वायरमेंट जितनी है उससे भी ज़्यादा है। तो अब जरा जाते हैं स्टूडेंट सर्विस में और उसके नीचे कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन में जैसे ही जाते हैं, फाइनल सेमेस्टर में आते हैं, तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है और कोई आपके सामने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें कुछ स्टूडेंट की ऐसे भी हो सकती है कि जिसमें सीजीपी कम हो, और अगर कोई डी में या ई में आया हुआ, क्योंकि उस हवाले से कुछ यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी चेंज की है कि अब अपडेट कर सकते हैं आप उनको
इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे उनके कुछ प्रीवियस सब्जेक्ट शो हो रहे हों जिनकी CGPA कम थी। तो यहाँ पे CGPA तो कोई कम नहीं है, ना ही कोई सब्जेक्ट सी में या डी में पास हुआ है। इस हवाले से यहाँ पे एक परफेक्शन आपको नज़र आती है इस सेमेस्टर LMS में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं, तो जिनकी कोई कमी पेशी है वो मशवरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो में मिल जाता है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो बटन अनचेक होते हैं, जब आप इनको अनचेक करते हैं तो वो रेड होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इनको यहाँ से इस तरफ करना है, ग्रीन होते जाएंगे। ग्रीन होने के बाद आपने नीचे जाके स्पेशलाइजेशन सेव सिलेक्शन है उसके ऊपर कर देना है सेव। तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ नोट फॉर चेंजिंग स्पेशलाइजेशन, रात भी मैंने बताया था कि अगर इस फेज के ऊपर आके आपने गलती से भी इसको चेंज कर लिया तो फिर यूँ समझ लें कि आप सेकेंड सेमेस्टर में वापस चले गए, सेकेंड सेमेस्टर फिर से क्लियर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपने बिल्कुल किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट नज़र आते हैं, हालांकि आप सोचते होंगे कि यहाँ 6 होने चाहिए फिर क्रेडिट आवर पूरे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें 6 क्रेडिट आवर होते हैं, तो अगर आप काउंट करें 3, 3, 6, 9, 12 और 6, 18 18 क्रेडिट आवर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसको सिंपली आपने चेक करना है, राइट साइड पे मूव कर दें तमाम एक्शन बटन को और नीचे जाके सेव कर दें। सेव करने के बाद आप लोड सिलेक्टेड कोर्सेस इसको आपने क्लिक करना है और यह आप इसको कर लें, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ इसको क्लिक करें सिंपली और आपके सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अगर ना शो हों तो फिर जो है ना आपने इस LMS को एक दफ़ा साइन आउट कर देना है और दोबारा से लागन करेंगे तो आपके सब्जेक्ट अपडेट हो जाएंगे। ये जो अभी फ़िलहाल डिसेबल नज़र आ रहे हैं, यानी कोई डेटा किसी के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे सारे का सारा डाटा अपलोड हो जाएगा। चूँकि आपको पता है कि जो क्लासेस हैं 16 से स्टार्ट होनी है, आज 6 हुई है, 10 दिन बाकी है, ये सारा डेटा अपलोड हो जाएगा। अब ये क्लियर कर लें कि थोड़ी सी आपको मज़ीद बताता चलो, EDU 630 ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसमें आपको एक रिसर्च बनानी होती है, एक किसी टॉपिक पे काम करना, तो इसका पेपर नहीं होता, ये याद रख लें। इसके अलावा जो टीचिंग प्रैक्टिस है, इसमें असाइनमेंट बनानी होती हैं, इसका भी पेपर नहीं होता, यानी इसका और इसका पेपर नहीं होता। बाकी थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, इन दोनों के अलावा 630 और TPTG 620 इसका। तो इसमें बता दूं कि इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि काफ़ी करनी पड़ती है, और इसमें कोई ऐसी मेहनत वाली चीज़ नहीं होती, जस्ट काफ़ी सारा डाटा प्रोवाइड करना होता है, लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो ऐसी कोई जिस उस लेवल की एफर्ट नहीं होती जिस लेवल की एफर्ट यहाँ पे आपको रिसर्च प्रोजेक्ट में करनी पड़ती है। जो MA कर चुके हैं या BS कर चुके हैं वो जानते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होते हैं और थीसिस वर्क या किसी भी टॉपिक के ऊपर काम करना एक प्रॉपरली वो क्या होता है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट इस वीडियो को देख के ये समझ जाएंगे कि इन दोनों के ऊपर उन्हें असाइनमेंट जैसे जैसे आती जाएंगी काम करना है। असाइनमेंट के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी फॉलो करनी है, जितनी भी अनाउंसमेंट होंगी, ये याद रखिएगा कि अनाउंसमेंट्स बहुत ही काम की हैं इन दोनों सब्जेक्ट में, रिसर्च में और टीचिंग प्रैक्टिस में। जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाए उसको एक ट्रू स्पिरिट के साथ आपने फॉलो करना है। ईमेल्स अपने एक्टिव कर लेने हैं VU की तरफ से मिले हुए, इन जो सुपरवाइज़र आपको मिलेंगे या इंस्ट्रक्टर मिलेंगे उनके ईमेल जो दिए जाएंगे, स्काइप के ईमेल, स्काइप का आईडी और दूसरा ईमेल, वो सारे के सारे आपने लगा लेने अपने मोबाइल में और प्रॉपर इनके साथ कम्युनिकेशन रखनी है और अनाउंसमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़ने के साथ साथ इनके ऊपर अमल करना। तो इंशाल्लाह आपका ये थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आपकी डिग्री भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट में एक होती है रिक्वेस्ट कि जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर 90% जो वॉच टाइम है या देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब किए बिना ही देख लेते हैं। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि जो अगली वीडियो में बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए और आपको इस तरह की चीज़ें सर्च ना करनी पड़े YouTube के ऊपर जाके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।